तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने क्यूबिकल लैब्स के डी एन एम 47 की अनबॉक्सिंग की थी। काफ़ी प्यारी अनबॉक्सिंग थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना। तो ये वीडियो उससे थोड़ी हटके होने वाली है। मैं इस ल्यूब को ट्राई करने वाला हूँ कि कैसा ल्यूब है। तो ये मेरे पास जो मेरे सारे क्यूब कलेक्शन में से जो सबसे वर्स्ट क्यूब थे टर्निंग में, वो क्यूब लाया हूँ। तो ये मोयो का मेलोंग 3 से, जो कि काफ़ी बुरा चलता है। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, काफ़ी बुरा चलता है। और ये है मोयो का मेलोंग 2x2, इसकी तो आवाज़ और भी ज़्यादा बुरी है। अब मैं इनको टर्न भी कर लेता हूँ बहुत ज़्यादा। काफ़ी ड्राई है। और ये वाला तो इनमें, ये दोनों लूप्स में ट्राई करूँगा, सिर्फ एक ड्रॉप ही डालूँगा, क्योंकि ज़्यादा कर वीडियोज़ भी बताते हैं कि इसके दो ड्रॉप से ज़्यादा अगर आपने डाल दिए तो क्यूब ज़्यादा फास्ट और वेरी अनस्टेबल हो जाता है। तो मैं तो सिर्फ एक ड्रॉप डालने वाला हूँ, और वैसे भी ये काफ़ी कम है। तो डालते हैं एक बूंद, कुछ ऐसा दिखता है ये। एक बूंद चली गई है, इसको ब्रेकिंग कर लेते हैं। तो इसमें तो मैंने डाल लिया है, इसमें भी डालता हूँ कि 2x2 है। इसमें काफ़ी स्लज भी जमा हो चुका है, तो देखते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर। तो इसके फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं। तो मैं 3x3 को टर्न करने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्टेबल तो नहीं कह सकता, पर फास्ट ज़रूर हो चुका है, जो कि इस ल्यूब का मेन मोटिव है। मतलब ये क्यूब को फास्ट करने के लिए ही बना है। और ये जो ल्यूब है, वो जो एयर के अंदर मॉइस्चर होता है उसे अब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि हमारे क्यूब को, ल्यूब को जल्दी वियर आउट करने में हेल्प नहीं करता। मतलब काफ़ी देर में जाके वियर आउट होते हैं। तो इस पर एक क्विक सॉल्व कर लेते हैं। रेडी स्टडी, मैं टाइमर लगा दूंगा ऊपर। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक क्यूब नहीं है, तो मैं कैमरे की तरफ से सॉल्व कर रहा था, तो थोड़ा स्लो सॉल्व लगा होगा, और मैं वार्म अप भी नहीं हूँ। तो चलिए 2x2 को सॉल्व करते हैं। बल्कि मुझे इसमें मैंने 2 ड्रॉप्स डाले, तो मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पता लग रहा है, लेकिन 2x2 में ऑफकोर्स मुझे ज़्यादा फ़र्क लग रहा है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसमें मैं डालता हूँ, लेट्स ट्राई दिस गैम्बल। रेडी स्टडी, तो काफ़ी अच्छा सॉल्व था ये 4 सेकेंड्स के बाद। 2x2 में DNM 47 की फील मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना, और मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो भी देखना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। और चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।